सी के बारे में? आपने कभी HBO की सीरीज देखी है तो आप देखोगे कितनी भाई आप जब कभी हक से बोल रहा हूँ, जहाँ कभी भी अगर आपने HBO की सीरीज़ देखी होंगी, एक स्टोरी टेलिंग होती है, आप एक बुक को पढ़ते हैं, वो जो फील आता है ना आपको, वो आपको आता है जब हक से का ट्रेलर देखते हो। वो एक्चुअली वो बेस्ड भी लिटिल वुमेन एक बुक के ऊपर है, पूरी की पूरी कहानियाँ, तो इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ जो देखने में, तो इसलिए सब लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं वो शो देखने में। कल हम लोगों ने टेस्ट केस देखा था और आज हक से की बारी है, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग टू सी कश्मीर की चार लड़कियों की कहानी। आई थिंक इट विल बी वेरी नाइस। आई थिंक सबने पढ़ी है लिटिल वुमेन, वो एक इंग्लिश क्लासिक है जो हर किसी ने पढ़ी हुई होती है। आई थिंक बहुत ही ब्यूटिफुली ऑल्ट ने उसे इंटरप्रेट किया है आज के टाइम में, और जो प्रॉब्लम्स पहले थी और जो आज की प्रॉब्लम्स हैं उसको कितनी ब्यूटीफुली कश्मीर में जिन्होंने पूरी स्टोरी सेट करी है, जो इश्यूज वहाँ पर वुमेन आर फेसिंग एंड हाउ दे कम अप एंड ऑल द फोर सिस्टर्स इन देयर लाइफ, आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत ही सैड एंडिंग भी है उसमें, बीच में ऐसे कैरेक्टर्स की चीज़ें भी हैं, तो बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी है, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एनी वन एंड एवरी वन टू वॉच इट्स। बहुत ही फैमिली शो है। इन फ्यूचर अगर आपको कोई वेब सीरीज करने का मौका मिले तो किस तरह की वेब सीरीज करना चाहेंगे? मैं बना रहा हूँ वेब सीरीज़, आपको देखने को मिलेंगी, बहुत ही एक्साइटिंग वाली बना रहा हूँ, तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी नाइस। मैं ड्रामा होता है या कॉमेडी होता है, इससे पहले मेरे दो वेब सीरीज़ क्लास ऑफ 2017 और रागिनी MMS जिस पर मैंने लास्ट काम किया था, वो आई हैं आई थिंक रागिनी, और ने काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छे नंबर्स भी लाए हैं, तो इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट वर्क इज़ बीइंग अप्रिशिएटेड। हर समय अलग अलग जॉनर के अलग अलग शोज़ बन रहे हैं, एक तरफ हक से होता है, एक तरफ यू हैव क्लास ऑफ 2017, एक तरफ आपका टेस्ट केस होता है, सो वॉट इज़ ब्यूटिफुल अबाउट ऑल्ट इज़ दैट दे आर गेटिंग वेराइटी, तो आपकी मॉम भी देख सकते हो, आप भी देख सकते हो, हर तरह के शोज बनाए जा रहे हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम फॉर स्टोरी टेलिंग यार, हर किसी को मौका मिल रहा है। किसके साथ दिखाई देंगे इन वेब सीरीज? किसके साथ दिखाई देंगे? अभी बन जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा, अभी बनने दो, पहले लिख रहे हैं हम लोग इस वक्त, लिख लेंगे फिर हम सुनाएंगे उस इंसान को और बाकी लोगों को, फिर जब वो साइन हो जाएगा फिर हम अनाउंस करेंगे कि यस दिस इज द शो वी आर मेकिंग। See the budget that is coming out, last year budget was very good, but what's going to be very interesting is that I hope that the tax level for every one of us थोड़े lower हो, तो ज़्यादा पैसे बचेंगे, ज़्यादा हम खर्च करेंगे, economy better होगी, वो I think overall होना चाहिए, and I just feel that entertainment industry ना बहुत ही ऐसी industry है जहाँ पर it's so difficult because यहाँ पर श्योर शॉट गारंटी नहीं होती, एवरीथिंग इज़ वर्किंग ऑन पैशन, कुछ चलता है कुछ नहीं चलता है, सो आई होप दैट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस द इंडस्ट्री गिव्स सो मच टू द कंट्री, वो भी गवर्नमेंट अपने ध्यान में रखे और उनको इस तरह की रिबेट्स और इस तरह की सहूलियत दें कि वो बेटर कर पाएँ और ज़्यादा रिस्क ले पाएँ, तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ द यूनियन बजट एटलीस्ट। डू यू हैव एनी प्लान्स ऑफ एक्टिंग इन एनी वेब सीरीज? See, when it comes to facing the camera, yes, I do have plans of facing the camera because जो मैंने किया वो मुझे बहुत प्यार मिला, बहुत पसंद आया हूँ और मुझे काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन बिकॉज़ मेरी प्रायोरिटी बड़ी क्लियर है कि मुझे डायरेक्शन, प्रोड्यूसिंग और राइटिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है और वो मैं करता आ रहा हूँ, और एक्चुअली मुझे बहुत पैसे मिलते हैं वहाँ से, तो आई एम सॉरी एक्टिंग मुझे इतना ज़्यादा फाइनेंशियली नहीं देता जितना कि मेरी बाकी थॉट प्रोसेस मुझे देती हैं, तो बट आई एंजॉयड माई स्टिंट एट बिग बॉस, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल समहाउ ऑल्सो डू सम बिट ऑफ थिंग्स ऑन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू।